हाँ, तो देखो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ चुके थे, तो डेरिवेटिव चैप्टर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव इज अ भोला भाला चैप्टर और इंटीग्रेशन इज अ चालक चैप्टर। याद है क्या मैंने तुमको ये स्लोगन बताया था? डेरिवेटिव ऐसा है कि डेरिवेटिव कैसे भी करो बस उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल ही लगाना है। ओके, एफ ऑफ एलजेब्रा एफ ऑफ, इससे ज्यादा क्या है? हाँ, उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक इसका थोड़ा तड़का लगाना पड़ता है, वो रूल सप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म करके फिर डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस कहीं पे भी है, तुम वही रहेगा आपका एफ ऑफ, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में वो चालक है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर, मतलब डेरिवेटिव अगर नहीं जमा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आया तो ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। मतलब ऐसे पहले स्टूडेंट्स की हिस्ट्री हो चुकी है कि अगर पेपर टू में किसी ने डेरिवेटिव अच्छे से नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसका इंटीग्रेशन तो 100% बिगड़ने का पूरा चांस होता ही है, क्योंकि रट्टा कर करके कितना रट्टा करेगा, इतना सारा सिलेबस है, रट फिट के अचानक से तुमने रट लिए, वही क्वेश्चन आ गए या फिर थ्योरम्स के बलबूते पे पास हो गए तो बात अलग है। अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं आया तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों चैप्टर्स नहीं आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 100% पूरा क्या है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, समझा? यानी कि पूरा पेपर टू में यही है अब सब कुछ, तो ये समझ लो और फिर डेरिवेटिव के लिए भिड़ जाओ। और इंटीग्रेशन जो मैं भी पढ़ा रही हूँ रेगुलरली, उसको आधा एक घंटा टाइम दो रेगुलरली, अगर तुम रेगुलर इसको समय दोगे तो इंटीग्रेशन तो कम से कम बस में कर लोगे। ओके, तो डिफरेंशियल हम पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पहले दो टाइप में है, इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट एक्चुअली इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एल्जेब्रिकल लर्निंग बेस के ऊपर फॉर्मूले लर्न करेंगे, एल्जेब्रिकल हम पढ़ लेंगे। बट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है, वो कैसा कहां से वो सब पढ़ेंगे। लेकिन इनडिफाइनाइट एरिया मतलब जिसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो होगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, और आगे हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन मतलब यहां से लेके तो वहां तक के लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करके उतने रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो पहला चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल मतलब नो रेस्ट्रिक्शन। सो ध्यान रखो यहां से कि इंटीग्रेशन मीन्स इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब डी बाय डी एक्स आपने निकालना फाइंड कर लिए, अगर रेफरेंस एक्स का होगा तो फिर एंटी डेरिवेटिव जो निकलेगा फंक्शन का उसी को बोलेंगे इंटीग्रल। प्रोसेस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। ओके, और जो आउटपुट निकलेगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल। डेरिवेटिव में प्रोसेस को डिफरेंशिएट करना तो उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलेंगे, और जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो फिर यहां से इफ डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एफ डैश ऑफ एक्स होगा तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल बनेगा वाई। वेरी सिंपल, वाई का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल वाई। यानी कि आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले एज पॉसिबल एज लर्न होना बहुत जरूरी है। ओके, फिर से वाई का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल वाई। लेकिन ये कैसा हो गया, एक प्रैक्टिकली लैंग्वेज हो गया। अब रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स दिखाएंगे और इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट डी एक्स दिखाएंगे, डी एक्स। तो देखो देन, अब यहां से मैंने बोला ना कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वाई। तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज रिटन एज, देखो इंटीग्रल सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसा, ये वाला एस की तरह, तो इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रेटिंग या फिर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या लिखा जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई का डेरिवेटिव एफ डैश था, तो फिर एफ डैश का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का आंसर क्या आएगा, वाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, तो हियर द एफ डैश ऑफ एक्स कॉल्ड इंटीग्रैंड, जिसको इंटीग्रेट किया जाता है उसको बोलने का इंटीग्रैंड, और जो आउटपुट निकलेगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल। बात समझ में आ गई? ओके, चलो इतना लिख लो। हाँ देखो, समझ लो यहां से, अभी हमने जो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन समझ ली है,
तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या बनता है कॉस एक्स, फिर देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या बनेगा साइन एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर से देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस टू, इसका आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट मीन्स कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टू दैट मीन्स जीरो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस टू क्या आएगा अगेन कॉस एक्स आएगा क्योंकि जीरो नीड नॉट टू राइट। ओके सो यहां पर भी क्या बोलेंगे अगर इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस टू हो जाएगा। बात समझ में आ रही, तो इस तरीके से फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या मिला साइन एक्स प्लस टू। यहां पर ऊपर में कॉस एक्स का इंटीग्रल सॉरी यस कॉस एक्स का इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या निकला साइन एक्स, नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या निकला साइन एक्स प्लस टू। अब ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, इसका ग्राफ निकालोगे अलग निकलेगा, प्लस टू को एड करके इसका ग्राफ निकालेंगे अलग निकलेगा। बात समझ में आ गई, तो कहने का मतलब दोनों भी कॉस एक्स का ही तो इंटीग्रल है ना, तो क्या फर्क होता है ध्यान रखो कि जैसे यहां पर कुछ नहीं है तो साइन एक्स प्लस जीरो बोल सकते हैं, यहाँ पर साइन एक्स प्लस टू है, या फिर साइन एक्स प्लस एनी हंड्रेड रूट टू वन बाई टू अल्फा बीटा गामा कोई भी कॉन्स्टेंट यहाँ हो सकता है तो भी उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स ही आएगा, तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रल हमेशा साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट वाला लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा पता है कि साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है। ओके एंड देयरफॉर कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा। अगर नहीं कुछ कॉन्स्टेंट होगा लाइक दिस, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है तो जीरो ही सही, जीरो होगा पर होगा ना, समझ में आ रहा कि नहीं, बट अगर जीरो नहीं हुआ तो दूसरा कुछ हो सकता ना वो, तो फिर वो सी लिखना हम छोड़ सकते क्या, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमको तो पता ही नहीं ना कि कॉन्स्टेंट क्या है, हमको तो ये पता है कि साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, समझा, कॉन्स्टेंट नहीं कुछ होगा तो जीरो होगा, पहला वाला टाइप का होगा। समझ में आ गई बात, और इसीलिए क्या लिखना जरूरी होता है सी, तो इंटीग्रेशन में सी कैसे आता समझ में आ गया, तो इस तरीके से दिस इज मीनिंग ऑफ सी जो ऊपर हमने पढ़ लिए वो मीनिंग है एंड दिस नोन एज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई ओके। अब हम पढ़ रहे लीनियर फंक्शन, एक्चुअली लीनियर फंक्शन को कोई पढ़ने वाली बात नहीं, छोटे क्लास में सिक्स स्टैंडर्ड से हम पढ़ लिए कि कोई भी वन वेरिएबल का जो इक्वेशन है जिसमें डिग्री वन होनी चाहिए, जैसे ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट जो है, तो ए एक्स प्लस बी ये क्या हुआ आपका लीनियर फंक्शन राइट, एक्स बाई टू ये भी क्या हुआ लीनियर फंक्शन, अगर मैं इसे माइनस एक्स यहां से ऐसे ले लू माइनस रूट टू एक्स एंड प्लस समथिंग और कुछ करूं या ना करूं जो भी है, लेकिन इसको देखते हुए क्या बोलेंगे लीनियर फंक्शन। समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से बात कर लू रेडिकल साइन के अंदर चाहे यहाँ पे ऑर्डर जो चाहिए वो लेंगे, अगर मैं वेरिएबल ऐसे डाल दू तो ये आपका फिर कुछ भी ले लो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, तो दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन। ओके अगर मैं यहां ले लू डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर जो भी वॉट एवर ले लू, यहां पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव फ्रैक्शनल पावर बोलो या जो भी है, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर में आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में ये भी नॉट लिनियर फंक्शन। तो लिनियर फंक्शन मतलब जहां न्यूमरेटर में आपको वेरिएबल का पावर वन यानी कि डिग्री वन रहना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लिनियर फंक्शन। ये बात समझ में आ गई, और ये सिर्फ हम लोग एज ए मुंद्रा मैम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम LF यानी कि लिनियर फंक्शन को लेके लर्न करने वाले हैं। जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमने कैसे लर्न किए फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ ना, तो वैसे इंटीग्रेशन के लिए कोई पब्लिकेशन में तुमको LF नाम की चीज दिखेंगी नहीं, किसी कोचिंग में LF नाम की चीज पढ़ाएंगे नहीं। ओके लेकिन मैं बोल रही हूँ तो तुम फॉलो करो, LF बोलोगे तो तुम आधा इंटीग्रेशन स्मूथली करना स्टार्ट कर दोगे, फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा लेकिन ठीक है, तो पूरे फॉर्मूले किसमें लर्न करेंगे LF, क्योंकि हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि अगर LF है तो भाई इंटीग्रेबल डायरेक्टली है, और अगर LF नहीं है तो वो चालाकी करना पड़ेगा, फिर अपने को सोचना पड़ेगा ना ये LF तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पहले पहचान तो होनी चाहिए ना कि वो LF है या नहीं है। समझ में आ रही बात, तो हम LF के तरीके से पढ़ेंगे, तो उसके लिए LF आपको पहचान जाना चाहिए कि लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, वो पहचान के सारे फॉर्मूले अभी मैं लिखने वाली हूँ फटाफट, ठीक है ना, चलो लिखो।
सो हम क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले एलएफ और रिदम में ट्यूनिंग के साथ में हम लोग लिखने भी वाले हैं, लर्न भी करने वाले हैं। ओके, रिदम मतलब कैसा, कहाँ पे सांस लेना, कहाँ पर मतलब ये करना, तो उससे ना एक ट्यूनिंग जमती है फॉर्मूले के साथ में। जैसे मैं भी स्टार्ट करूं, देखो नंबर वन फॉर्मूले हेडिंग डालो, फॉर्मूले हेडिंग डालो और नंबर वन हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एल एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। अब डेरिवेटिव मतलब क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स, जो रेफरेंस यहां रहेगा। अगर यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि डी वाई होता तो मैं नीचे में डी वाई करती, अगर यहां पर डी एक्स है तो ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एल एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। यहां अपॉन लेने का समझे, वहां इंटू लेते हैं डेरिवेटिव में, इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ बोलते कि नहीं, यहां पर अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ बोलने का, लेकिन एल एफ बोलने का एफ ऑफ नहीं। ठीक है, सो फटाफट फॉर्मूले लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल एफ डी एक्स इज इक्वल टू साइन एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एल एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एल एफ माइनस कॉट एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी, या फिर अनदर फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ एल एफ बाई टू अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। नेक्स्ट वन फोर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एल एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एल एफ प्लस टेन एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी, या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एल एफ बाई टू अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। दिस वन फर्स्ट प्लस सी, नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस कोसेक से टेन एल एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एल एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। सो एक बात ध्यान रखिए कि लॉग के सामने की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं चलती है, इसलिए उसको मोड़ दिखा रहे हैं अपन। ओके सो और यहां पर और एक ध्यान रहे कि सेक और कोसेक के हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, कोसेक के भी दो फॉर्मूले हैं और सेक के भी। समझ लो पहले, फिलहाल तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के छह फॉर्मूले का, आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो वो डेरिवेटिव किस फंक्शन का, जिसका आप इंटीग्रल लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट ले लो, इसका आप डेरिवेटिव निकालो तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रल ये, इसको हम प्रूव ही करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमको कुछ फॉर्मूले के ग्रुप्स लिखना है। सो इसका ट्यूनिंग देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एल एफ या इंटीग्रल ऑफ कोसेक एल एफ डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। समझे, और उसी के साथ में उसका दूसरा भी फॉर्मूला है कि कोसेक माइनस कॉट, इसको हम अगर वन बाय साइन और कॉस बाय साइन करेंगे ना, तो ऊपर में वन माइनस कॉस आता, नीचे में साइन आएगा। वन माइनस कॉस का बनेगा टू साइन स्क्वायर एंगल की हाफ, साइन का भी बनेगा टू साइन कॉस एंगल की हाफ, और उसको डिराइव करने के बाद में ये आता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ कोसेक एल एफ इज इक्वल टू दूसरा वाला लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ एल एफ बाई टू अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी। समझे, सो कोसेक का लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट एल एफ
अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी. अगेन कोसेक का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ बाई टू अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी. एल एफ होगा तो ही डायरेक्टली ये फॉर्मूले अप्लाई करने का. ठीक है, अभी हम आगे जब प्रैक्टिस लेंगे कि एल एफ नहीं है तो ये फॉर्मूला बोलने का भी नहीं, फिर चालाकी करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा. सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ सेक एल एफ डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक प्लस टेन एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी. कोसेक में कोसेक माइनस कॉट और सेक में सेक प्लस टेन. तो इंटीग्रल ऑफ सेक एल एफ इज इक्वल टू log of mod of sec plus tan lf upon the derivative of that lf plus c. again integral of इसको भी 1 by cos और sin by cos वगैरह करेंगे तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्मूला आता है. तो log of mod of tan of pi by 4 plus lf by 2 upon the derivative of that lf plus c. सारे ग म छोड़ने सारे ग रुक गई तो क्या लगेगा तुमको, कितना भी छोटा क्यों नहीं रहो अगर उसको सारे ग रुक गई क्या लगेगा बोलो, क्या लगेगा? कुछ तो छूट गया. लगना ही चाहिए ना, म छूट गया. लगना ही चाहिए म छूट गया, वरना कोई भी बोलेगा ना इसको संगीत भी नहीं आएगा तो कम से कम सारे ग म तो बोलेगा, म छोड़ेगा क्या वो? वो एकदम ही छोटा. तो कहने का मतलब क्या नहीं छोड़ना है, अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ एल एफ आपको छोड़ना नहीं है. अगर वो अपॉन द डेरिवेटिव आपने छोड़ दिया कि तो सारे घर से तो बच जाओगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आप इससे पुनः निकल जाओगे, आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, समझा? तो अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ एल एफ जरूर बोलना एल एफ होगा तो. ठीक है, सो अब ये बात समझ में आ गई. तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एल एफ बाई 2 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी, समझा? और इसी प्रकार अब टेन एल एफ का डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव नहीं सॉरी इंटीग्रेट देखो, यहां से सेक में टेन आ रहा है वो अलग है और टेन का खुद का इंटीग्रल वो अलग चीज है. साइन कॉस कोसेक सेक और अभी हम ले रहे टेन कॉट का इंटीग्रल. तो इंटीग्रल ऑफ टेन एल एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी. टेन का लॉग ऑफ सेक ओके, और कॉट का लॉग ऑफ साइन. फिर से टेन का लॉग ऑफ सेक एल एफ एल एफ हाँ, और कॉट का लॉग ऑफ साइन गाना गाने का ओके. तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एल एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ प्लस सी. तो ये छह हो गए, हमने खत्म नहीं हुए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक छह हो गए, बाकी क्या अपन आगे करेंगे. ठीक है, चल लिखो.